हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनोज कुमार एंड यू आर वाचिंग योर इंग्लिश चैनल इंग्लिश विद मोनू सर। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट जो कि जो लेट से शुरू होता है। ओके, पहला पार्ट पढ़ चुके हैं इम्पेरेटिव का, आज हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ सेंटेंसेज मैंने लिए हैं। हम लोगों ने इम्पेरेटिव सेंटेंस सीखा था कि क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट जो है हिडन रहता है, दूसरी बात उसमें या तो ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइज, सजेशन, कमांड, इन सब का जो है उसमें भाव निहित रहता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेट वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, किस तरीके से उनको फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, दो प्रकार से हम बना सकते हैं। ओके, किस तरीके से बना सकते हैं मैं आपको दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में एक सेंटेंस दोनों तरीके से बता दूंगा, अदर उसके बाद में अदर जो सेंटेंसेस वो एक एक करके हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले वाला सेंटेंस है, सी सेड टू मी लेट अस गो टू मार्केट। ठीक है, इस वाले सेंटेंस में हमें क्या करना क्या है। सबसे पहले देखिए, लेट वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो आप लोगों को भाव देखना होगा कि उसमें क्या भाव निहित है। जैसे लेट अस गो टू मार्केट, हमें मार्केट में चलना चाहिए, जाना चाहिए, तो चलो हम मार्केट चलते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें सजेशन है, सुझाव दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सी सजेस्टेड। ठीक है, अब सजेस्टेड क्यों किया, क्योंकि देखो सैड टू आ रखा है। ठीक है, पास्ट की फॉर्म है तो हम क्या कर देंगे, पास्ट सेड को सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। ठीक है, और टू मी, सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो टू मार्केट। ओके, पहला तो इसका हो ये हो गया है, वी शुड गो टू मार्केट। He suggested to me that we should go to market. अब बच्चों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि सर हमने चलो ये तो कर दिया, आपने कहा कि इसकी जगह सजेस्टेड आ गया, टू मी है, इसको ऐसा कैसे रख दिया, इसको हटा के कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा के दैट रख दिया, अभी वी शुड कहाँ से आ गया, गो टू मार्केट तो यहाँ पे दिया हुआ पहले से ही। ठीक है, तो देखिए जहाँ भी लेट का जो सेंटेंस बनता है वो दो तरीके से बनता है, शुड तो वहाँ पे यूज करना ही करना होगा, अदरवाइज शुड को यूज नहीं करना तो उसके अलावा एक और नियम है, वो भी मैं इसके बाद में बता दूंगा। तो पहला नियम तो है ये कि हमें शुड रखना होता है। ठीक है, जो मेन वर्ब होती है, गो या मेन वर्ब, उससे पहले शुड को रख दिया। अब यह हमारे पास वी कहाँ से आ गया, देखिए ये भाव भी इसी में निहित है, ये सी है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड पर्सन है सिंगुलर और हमारा ऑब्जेक्ट है वी, सॉरी मी, तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब जहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर मिलके कोई काम करेंगे तो वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो जाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, यहाँ से भी आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव केस में एस दिया गया है, ये दोनों मिलके बात कर रहे हैं, ये इसको बता रही है या पूछ रही है कि हम मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट, कि हम मार्केट चलें। तो यहाँ पे अस जो है ना, इसका सब्जेक्टिव केस, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, पहला क्लोज जो है सी सजेस्टेड टू मी, ये तो ऐसा कैसा आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सी सजेस्टेड टू मी दैट, सॉरी सी सजेस्टेड टू मी, आगे इसके क्या जाएगा, टू गो टू मार्केट, बस पहला क्लोज है, सी सजेस्टेड टू मी टू गो टू मार्केट। ओके, सीधा का सीधा ऐसे कर देना है, या तो आप वी शुड गो टू मार्केट कर दो, दैट रख के दैट वी शुड गो टू मार्केट, या फिर डायरेक्ट यहां से इसके आगे सी सजेस्टेड टू मी टू गो टू मार्केट, बस इतना कर दो, क्लियर है। ठीक है, इसके आगे वाला सेंटेंस जो है हम बनाएंगे, सी सेड टू मी लेट अस परचेज दिस हाउस। अब देखियो यहाँ से फिर से हम देखते हैं तो एक हाउस को परचेज करने की बात की गई है, सुझाव दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम फिर से कर देंगे, ही सजेस्टेड
suggested to me that we should purchase that house. ठीक है, क्या क्या चेंजेस करेंगे? शेड टू की जगह सजेस्टेड कर देंगे, ठीक है, मी का मी आ गया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वी आ गया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो इसको वी में चेंज कर दिया। और फिर परचेज जो है वो इससे पहले हम शुड को रख देंगे और दिस का दैट बना देंगे और हाउस का हाउस बना देंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते हो, सी सजेस्टेड टू मी टू परचेज दैट हाउस, ठीक है ना। यहाँ से आगे का जो है ना वो कैसे बनाएंगे, सी सजेस्टेड टू मी टू परचेज दैट हाउस, ओके, इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट है सी सेड लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो सेंटेंस है इसमें एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि यहाँ पे आप सजेस्टेड भी यूज कर सकते हो और प्रपोज्ड भी यूज कर सकते हो, दोनों वर्ब यूज हो सकते हैं, ठीक। प्रपोज्ड भी यहाँ पे, ठीक है ना, सजेस्टेड टू मी या फिर प्रपोज्ड टू मी। प्रपोज्ड की स्पेलिंग जो है वो ये होती है प्रपोज्ड, ठीक है ना, ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड परचेज दैट हाउस या फिर ही प्रपोज टू मी टू परचेज दैट हाउस, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला शी सेड लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क फर्स्ट, ओके। हाँ, तो थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, सी सजेस्टेड दैट ही शुड कंप्लीट हिज वर्क फर्स्ट, ओके, ऐसे बना देंगे इसको। ही सजेस्टेड दैट ही शुड कंप्लीट हिज वर्क फर्स्ट। पहली बात तो ये है कि सजेस्टेड के बाद में, देखिए सेड के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सजेस्टेड के बाद में भी ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, दैट जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम रख देंगे और उसके बाद में ही शुड कंप्लीट हिज वर्क फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो हिज में हमने कोई चेंज नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का है पजेसिव, तो थर्ड पर्सन हमेशा इसमें चेंजेबल नहीं रहते हैं, यानी इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये थर्ड पर्सन का पजेसिव है तो इसको चेंज करना हमें अनिवार्य नहीं है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक। तो इसका बन जाएगा शी सजेस्टेड दैट ही शुड कम्प्लीट हिज वर्क, ओके ओके। इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, सी सजेस्टेड टू कम्प्लीट हिज वर्क फर्स्ट, ओके। ही शुड को नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, दैट ही शुड, यहाँ से यहाँ तक का जो है इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे और यहाँ पे सिर्फ टू रख देना है। वैसे ही इसमें भी सेम यही प्रक्रिया करनी है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ कहाँ आपको क्या क्या इसमें करना पड़ता है, ठीक है। देखिए हमें अगर इसका दूसरा तरीका बनाना है तो इसको हटा देंगे, यहाँ पे इसको हटा देंगे और यहाँ पे इसको हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों की जगह हमें रखना क्या है, सिर्फ टू रखना है। ही सजेस्टेड टू मी टू गो टू मार्केट, टू गो टू मार्केट, बस यहाँ पर भी वही करना है, दैट वी शुड की जगह टू रख दो, बाकी का ऐसा रख दो। यहाँ पे भी टू दैट ही शुड की जगह हम क्या रख देंगे, टू रख देंगे, बाकी का ऐसा कैसा, बस इतना ही चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ही सेड लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, ही सजेस्टेड दैट ही should solve that problem
ओके इस तरीके से बना देंगे, ही सजेस्टेड दैट ही शुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम फर्स्ट। अब यहाँ पे दूसरे तरीके से बनाने के लिए वही बात हम क्या करेंगे, दैट ही शुड को हटा देंगे, ही सजेस्टेड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फर्स्ट, ठीक है, टू रख देंगे इस क्लॉज की जगह पे। ओके नेक्स्ट वाला है द स्टूडेंट सेड, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ पे सेड के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो सजेस्टेड को भी टू के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं रखना होता क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट सेड लेट मी टेक फूड, ठीक है, देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है विश, इस सेंटेंस में विश की गई है, एक स्टूडेंट कह रहा है कि लेट मी टेक फूड कि मुझे खाना खा लेना है या खा लेना चाहिए, तो हम इसको कैसे बना देंगे, द स्टूडेंट विश्ड दैट ही शुड टेक फूड, ठीक है, द स्टूडेंट विश्ड सजेस्टेड की सजेस्टेड नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर लड़का कोई किसी को सुझाव नहीं दे रहा, वो तो खुद के लिए बोल रहा है कि मुझे खा लेना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विश्ड रख देंगे, ठीक है ना, उसकी इच्छा है ये खाना खाने की अभी, तो वो अपने आप से कह रहा है ये बात, है ना, इसीलिए हम सजेस्टेड तो तब करेंगे ना जब वो किसी दूसरे को बताएगा, यहाँ पे किसी दूसरे को नहीं बता रहा, वो तो खुद ही मन में बात कर रहा है ना, तो द स्टूडेंट विश दैट ही शुड टेक फूड। ओके इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, दूसरा तरीका वही है, दैट ही शुड को चेंज कर दो टू में, द स्टूडेंट विश्ड टू टेक फूड, ओके बस इतना ही करना है। ओके अगले वाला है द लेडी सेड लेट मी हैव एन आइसक्रीम पैक, यहाँ पे भी विश है, एक लेडी है वो खुद से ही कह रही है कि लेट मी हैव एन आइसक्रीम पैक, मुझे एक आइसक्रीम का पैक ले लेना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही विश्ड को रख दो, द लेडी विश्ड दैट सी शुड हैव एन आइसक्रीम पैक। ओके देखिए द लेडी विश्ड क्यों आया, सजेस्टेड क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पे लेडी खुद से कह रही है ना, द लेडी सेड लेट मी हैव एन आइसक्रीम, मुझे एक आइसक्रीम का पैक ले लेना चाहिए, ठीक है, तो अब इसको चेंज करने के लिए सेड की जगह विश्ड कर दो, कॉमन इनवर्टेड कॉमास की दैट कर दो, और शी क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये लेडी जो है ना यही बात कर रही है ना, तो इसके लिए सब्जेक्ट इसी को बनाना होगा, ठीक है, जिस प्रकार से इसमें ही को सब्जेक्ट बनाया था, क्योंकि ये लड़का ही खुद से बात कर रहा लेट मी टेक फूड, ठीक है ना, अदरवाइज आप इससे भी समझ सकते हो, ऑब्जेक्ट हमारा जो है जो आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट आ रहा है वो वही हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये लड़का जो है ना ये इसी के लिए मी आया है, ठीक है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग आप हम यहाँ पे सब्जेक्टिव केस रख दोगे, ठीक है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्टिव केस रखेंगे, अदरवाइज ऑब्जेक्ट बनाना होता तो ऑब्जेक्ट केस रख देते। अब उसी प्रकार से यहाँ पे सी क्यों आया है, क्योंकि द लेडी यहाँ पे खुद से बात कर रही है, तो लेडी के लिए सी रख दिया, यहाँ पे बॉय था द स्टूडेंट था तो हमने ही रख दिया, ठीक है, तो द लेडी विश्ड दैट सी शुड हैव एन आइसक्रीम पैक, बस बाकी चेंज नहीं करना है, दैट सी शुड इसकी जगह पे हम टू भी रख सकते हैं, द लेडी विश्ड टू हैव एन आइसक्रीम पैक, ठीक है, दैट सी शुड इसकी जगह पे टू रख दो, बाकी ऐसा कैसा बना दो, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है, द बॉय सैड टू द डॉग टीचर लेट मी गो होम नाउ, ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, एक बॉय जो है वो टीचर से कह रहा है लेट मी गो होम नाउ, मुझे अब घर जाने दो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, द बॉय रिक्वेस्टेड टू द टीचर दैट ही शुड गो होम देन, ठीक है, द बॉय रिक्वेस्टेड टू द टीचर ही शुड गो टू होम,
इसको आप इस वर्ब के साथ भी बना सकते हो, अलाउ, टू अलाउ, ठीक है ना। कैसे? द बॉय रिक्वेस्टेड टू द टीचर दैट, हटा दो, टू अलाउ टू गो होम देन, बस। द बॉय रिक्वेस्टेड टू द टीचर टू अलाउ टू गो टू होम देन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला। अच्छा, इसमें समझना क्या है, इसमें रिक्वेस्टेड क्यों लगाया, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लड़का जो है वो टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे घर जाने दो, इसीलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट आया गया। ना तो यहाँ पे सजेशन दिया गया, सजेशन नहीं रख सकते, ठीक है, और ना ही यहाँ पे किसी प्रकार की विश की गई है, तो विश भी नहीं रख सकते, और ना ही किसी चीज़ के लिए प्रपोज किया गया, तो प्रपोज भी नहीं आ सकता, और ऑर्डर रिक्वेस्ट तो, ऑर्डर तो है नहीं इसमें, कमांड भी नहीं है, ठीक है ना। तो टीचर के लिए बच्चा टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए रिक्वेस्टेड आ गया। ओके, नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल सेट द पियोन, लेट द स्टूडेंट कम इन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो एक प्रिंसिपल जो है एक पियोन से क्या कर रहा है, पियोन को ऑर्डर दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ऑर्डर कर देंगे, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, अच्छा ये प्रिंसिपल थोड़ा यहाँ पे गलत है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड टू द पियोन टू अलाउ द स्टूडेंट्स कम इन, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑर्डर टू द पियोन टू अलाउ द स्टूडेंट्स कम इन, ओके। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बना देंगे। तो ये था लेट वाले वो सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें लेट का यूज होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं बचा है, एकदम कंप्लीट हो गया है। अब हमारे सामने देखिए, हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिए थे, इसके अलावा हमने नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे सामने दो ही सेंटेंस के टाइप बचे हैं जो कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग हमें पढ़ने हैं, और वो है ऑप्टेटिव और दूसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ, तब तक नमस्कार।